move back to the future. I don't got time to hear about the criticism. Rap serial killer looking for another bit. Come and get your issue. We are rolling with a 9-bit. Slashing at you motherfuckers like a carry. आज हम लोग आ गए हैं फाइनली आर्थर के शोरूम पे, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलती हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे, उनके आपको डायमेंशन बताएंगे, उनकी आपको चार्जिंग बताएंगे, वो कैसे स्कूटर दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो उसके ऊपर आपको कितनी सब्सिडी मिलती है और कहाँ कहाँ मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा अब ये जो हमारे सामने आप स्कूटर देख रहे हो ये है एथर 450। देखो वैसे दिखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, फाइबर बॉडी आपको मिल जाती है, काफ़ी क्यूट क्यूट कलर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके दो वेरिएंट आते हैं, एक आपका आता है 450 प्लस जो कि आपका बेस वेरिएंट होता है, और उसके बाद में आपका आता है 450 एक्स जो कि आपका टॉप वेरिएंट होता है। उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कोई आज से डिफरेंस होता नहीं है, बस थोड़े बहुत आपके सॉफ्टवेयर में डिफरेंस हो जाते हैं जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह एड ऑन हो जाती है जो उसका टॉप वेरिएंट है 450 एक्स में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले से शुरू करते हैं और आते हैं इसके डायमेंशन पे, इसके लुक्स के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये है इसकी चेसी। ठीक है, जो टोटल आपके बाइक का वेट है वो आपका 108 किलो का है। ठीक है, और जो आपकी चेसी है वो आपकी एल्यूमिनियम की चेसी है। फ्रंट में आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है, रियर में भी आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है, दोनों ही टायर आपके 90 के हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसकी जो पूरी ओवरऑल ब्रेकिंग होती है एथर की वो आपकी बाइब्रे की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो आपके ब्रेक लिवर्स भी होते हैं वो भी आपको स्पेशली बाइब्रे के ही मिलते हैं, तो मतलब ब्रेकिंग से एकदम भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड इसमें आपको फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, इसमें आपको यूएसडी नहीं मिलता है अनलाइक ओला का स्कूटर, इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप पीछे आओगे तो फिर इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिल जाता है, इसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये आपका 2.9 किलोवाट का बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी आपका यहाँ पर आकर के लगता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपका बैटरी लगता है, उसके बाद यहाँ पर आपका लगता है मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी की बात करते हैं, 2.9 किलोवाट की बैटरी है, इसको आप 300 मिलीमीटर तक पानी के अंदर भी रख सकते हो। अगर हम इसकी मोटर की बात करें तो ये देखो हमारे सामने, इसके सामने मोटर रखा हुआ है, ये मोटर है आपका 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्रंट से अगर हम शुरू करें तो इसमें हमें पूरा जो सेटअप है वो हमें एलईडी का मिलता है। ठीक है, इसमें हमें फ्रंट में एलईडी है, यहाँ पे हमें देखो ऐसे डीआरएल मिले जा रहे हैं, उसके बाद अगर हम इसके पीछे आते हैं तो इनफैक्ट इसकी टेल लाइट भी जो है वो आपको एलईडी सेटअप के साथ ही आती है। उसके बाद में अगर हम इसमें बैठते हैं तो काफ़ी ऐसे आपको प्रीमियम फील देता है। क्या चीज़ आपको उसको प्रीमियम फील कराता है, वो है इसका 7 इंच का LCD डिस्प्ले बेसिकली, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं दुनिया जहान की। इसके अंदर आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ईको हो गया, उसके बाद में आपका राइड मोड हो गया, उसके बाद में आपका स्पोर्ट मोड हो गया, उसके बाद में आपका एक वॉक मोड हो गया। उसके बाद में आइए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप इसकी इनिशियल परफॉर्मेंस की बात करो तो ये देखो ये आपकी 0 से 40 जाती है इन 3.3 सेकंड्स। इसकी जो टॉप स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, जो कि आपकी राइडिंग और स्पोर्ट्स मोड में होती है। आपकी वॉक मोड में यही स्पीड आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। उसके बाद में ये देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईको मोड पे 85 चलेगी, राइड मोड पे आपकी 70 किलोमीटर चलेगी, स्पोर्ट्स मोड पे आपकी 60 चलेगी। ठीक है, और वॉक मोड पे एक्चुअली वाई केयर इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज अगर आप वॉक मोड पे चला रहे हो तो फिर आप रेंज बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज तब आपको चाहिए होगी स्पीड, तो करीब 50 किलोमीटर तक की आपकी वो स्पीड प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद में अगेन मूविंग बैक टू द स्क्रीन, बिकॉज इसमें सब कुछ स्क्रीन पर ही है, इसमें आपको मिल जाता है, मैंने आपको बताया 7 इंच का इसमें LED डिस्प्ले मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो फिर आपके सारे फंक्शंस आ जाते हैं। अब आइए आपको एक एक करके सारे फंक्शंस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपका होता है जनरल फंक्शन, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी आपका नंबर है स्कूटर का वो सारी चीज़ें आपकी रजिस्टर हो जाती है यहीं पर। उसके बाद में अगेन आपकी सेटिंग, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह डल कर सकते हो। ठीक है, ऑटो है, डार्क कर लो या फिर लाइट कर लो, बेसिकली उस हिसाब से आपकी सारी चीज़ मतलब आप चेंज कर सकते हो अपना डिस्प्ले। उसके अंदर अगेन मूविंग फॉरवर्ड
उसके बाद में सेटिंग्स में हम नीचे आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप अपने टर्न इंडिकेटर्स जो है वो ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है गाइड मी होम लाइट। ये ऐसा फंक्शन होता है कि जब भी आप रात में अपने घर पर आते हो और उसके बाद में आपने स्कूटर को पूरा ऑफ कर दिया, उसके बाद में आप घर जा रहे हो और वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो 20 सेकेंड तक की इसकी लाइट जो है बेसिकली ऑन रहती है। उसके बाद में आपकी रियल टाइम एफिशिएंसी क्या होती है कि जब आप थ्रॉटल ले रहे हो तो जिस हिसाब से आप अपना थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे रहे हो उस हिसाब से जो है आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें शो करती हैं। उसके बाद में इनकॉग्निटो, मतलब अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी जो स्कूटर है वैसे जैसे इनकॉग्निटो मोड होता है कि बेसिकली यू डिसअपीयर, तो अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दो तो 8 घंटे इसका मैक्सिमम टाइम होता है, 8 घंटे तक इस स्कूटर का आपको बहुत ही सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, बट 8 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर कभी स्कूटर आपकी चोरी भी हो गई और अगर आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन है तो ऑटोमेटिकली वो आपका 8 घंटे बाद ऑफ हो जाएगा, जिससे आप अपने स्कूटर का पता लगा सकते हो। ये हो गई एक चीज़। उसके बाद अगेन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आ गई हमारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये जो आपकी स्कूटर है ये आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपके मैप के साथ आती है जो और टर्न बटन इंडिकेटर्स के साथ भी आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ गए आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी जो ऐप होती है एथर की जो ऐप है उसके अंदर आप बेसिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, तो वो आपको उसके बाद में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप यहाँ से ही दिखा सकते हो, यहीं से ऑपरेट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपका आ जाता है शटडाउन का ऑप्शन। शटडाउन का ऑप्शन इंसान तब यूज़ करता है जब आप 1-2-3 दिन तक जब अगर स्कूटर अपनी नहीं चला रहे हो, ठीक है, तो उसको आप शटडाउन कर देते हो, जिससे कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ा सा और बेहतरीन रहती है। उसके बाद में अगेन मूविंग फॉरवर्ड, ये इसमें आपको पार्किंग असिस्ट भी मिल जाता है और उसी के साथ ही साथ इसमें आपको एक रिवर्स गियर भी मिल जाता है। रिवर्स गियर आपका कैसे यूज़ होता है, ये मैंने पार्किंग असिस्ट को ऐसे स्लाइड करा, ये हमारी रिवर्स मोड में आ गई। अब इसमें जो आप एक्सीलेटर लोगे तो आपकी स्कूटर पीछे जाएगी, अपने आप पीछे जाएगी। ये आपका तब बेहतर रहता है, ये आपका तब बढ़िया रहता है जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर होते हो या फिर थोड़ी सी ढलान वगैरह होती है और आपको अपनी स्कूटर पीछे करनी होती है, तब थोड़ा सा वो ईज आउट हो जाता है। उसके बाद में आपकी सारी जो रियल साइड चीज़ें हैं, जो भी आपकी रियल टाइम चीज़ें वो आपको सारी यहाँ पे पता चलती चलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रिप ए मिल जाता है, ट्रिप बी मिल जाता है, ठीक है। आपको ये देखो जैसे कि और ये पूरा आपका टच स्क्रीन है, आप इसको टच करके भी कर सकते हो। जैसे कि ट्रिप ए है, उसके बाद आपने टच करा ये ट्रिप बी हो गई आपकी। उसके बाद में आपकी करंट राइड जो भी आपकी चीज़ें वो भी आपको पता चल गई, आपकी एवरेज स्पीड क्या मेंटेन कर रहे हो आप वो भी आपको पता चल गई। आपका ओडोमीटर हो गया, यहाँ पर जो है आपकी स्पीड बेसिकली डिस्प्ले हो जाती है। तो ये सारे फीचर जो अगर आप इसके GPS में जाओ तो यहाँ से जो है आप सारी चीज़ें देख सकते हो। आप टर्न बटन नेविगेशन तो है ही है, तो इसके स्पेस भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। सीट को जो है मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, ये आपकी सीट खुल गई। अब इस सीट के अंदर जो है आपको 22 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और ये आपका एक हेलमेट बहुत आराम से रख जाता है। तो एक हेलमेट आप प्रॉपर रख सकते हो, इसमें ऐसा सीन नहीं है कि आप दो हेलमेट को बताओ कि आप रख सकते हो, लेकिन आपका दोनों हेलमेट अगर आप प्रॉपरली रखो तो वो सीट आपकी बंद भी ना हो, ठीक है। तो इसमें आपको 22 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको बड़ी ऐसी LED लाइट्स मिल जाती है जिसमें आप अंधेरे में भी अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद अगर आप उसको बंद करना है तो बस आप ऐसे करोगे, आराम से आपकी जो एथर का डिग्गी है वो आपकी बंद हो जाती है। उसके बाद अगेन अगर हम इसके बूट स्पेस हमने आपको बता दिया, लेकिन और हमें स्पेसिंग कहाँ मिलती है, और हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये इसके ऊपर आप करीब 5 किलो तक का वेट जो है वो आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। 5 किलो का वेट आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो, एक ये चीज़ भी हो जाती है। उसके अलावा फ्रंट में भी आपको ठीक ठाक सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा अपना सामान रख सकते हो। तो अब चार्ज करने में हमें टाइम कितना लगेगा, चार्ज करने में तो अगर आप यहाँ पर आ करके किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हो, ठीक है, तो करीब आपके 3.5 घंटे लगते हैं आपकी 80% बैटरी चार्ज होने में। 80% तक जो भी आपकी बैटरी है वो तेज़ चार्ज होती है, उसके बाद में जो आपकी बाकी 20% की बैटरी है वो थोड़ा धीरे धीरे चार्ज होती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। अब इसके चार्जिंग के भी आपको दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आप कहीं पर किसी भी चार्जिंग स्टेशन में जा करके चार्ज कर सकते हो, सिर्फ आपके 3 यूनिट लगेंगे, 3 यूनिट यानी कि 15 रुपये, एक यूनिट आपका 5 रुपये का है डेली में। उसके अलावा आपका जो दूसरा ऑप्शन है आपको मिलता है पोर्टेबल चार्जर। तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये पोर्टेबल चार्जर आपको इस स्कूटर के साथ ही मिलेगा, जो कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी भी 5 एम्पेयर के प्लग में लगा करके अपनी स्कूटर को ईजिली चार्ज कर सकते हो, और जो आपकी बिजली लेगी ये स्कूटर वो आपकी सिर्फ 3 यूनिट लेगी, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज करने के लिए आपके करीब 3 hours 35 minutes लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको 100% चार्ज करना चाहते हो तो उसमें आपको करीब 5.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो फाइनली बात करते हैं हम लोग इसके प्राइसिंग की। अगर हम लोग इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये जो दोनों वेरिएंट हैं, जो आज इसका बेस वेरिएंट है 450+, वो आपका आता है 1,33,000 रुपीज़ का, जो कि आपका दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइसिंग है।
उसके बाद में अगर आप इसके टॉप वेरिएंट पे चले जाओ जो कि आपका एथर 450X है, वो आपका आता है 153,000 रुपीज़ का, जो कि ये हमारे सामने खड़ा हुआ है 153,000 रुपये का। ये भी आपका डेली का ऑन रोड प्राइजिंग ही है। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 14,500 रुपये की सब्सिडी भी प्रोवाइड होगी। तो जो भी आज का ऑन रोड प्राइजिंग है उसमें से आप अपनी सब्सिडी माइनस कर लो, बाकी सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं। अगर हम लोग शोरूम के ऑफर्स की बात करें तो एज सच प्रेजेंट नवंबर के हिसाब से कोई भी शोरूम पे ऑफर अभी नहीं चल रहा है, बट इन फ्यूचर जैसे भी आएगा तो आप लोग आकर के चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल कोई ऑफर आ जाए, तो कभी भी आप कोई भी शोरूम लेने जाओ ना, चाहे वो एथर हो, चाहे वो ओला हो, होंडा हो, डुकाटी हो, कहीं भी जाओ, हमेशा कोई ना कोई ऑफर ज़रूर चेक करा करो। बी अ स्मार्ट बायर, हो सकता है कि आपको कुछ और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। उसके बाद में यहाँ पर आपको एथर के शोरूम में, अगर आप यहाँ पर आते हो, इस वक्त हम लोग लाजपत नगर के शोरूम में हैं, ठीक है, अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ भी मिल जाते हैं, बीट जैकेट, बीट हेलमेट, तो वो सारी चीज़ें भी आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं यहाँ पर। आई थिंक एथर इज़ दी प्रैक्टिकल स्कूटर, अगर आप लोग कोई भी एथर, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो। इनफैक्ट मार्केट में और भी ऑप्शन हैं जिसको मैं ला करके आपको जल्दी से दिखाता रहूँगा, और उसी के साथ साथ मैं एथर उठाता हूँ एंड आई विल डू अ लॉन्ग रिव्यू ऑफ द स्कूटर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस करने के बाद कितना ज़्यादा चेंज होता है। तो यू गाइस स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए मैं जाता हूँ और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, बेस्ट एंड सलाम।